नमस्कार, मैं हूं देवांशली मोइत्रा। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे न्यूज चैनल एनडीटीवी के संस्थापक प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय की मुश्किलें बढ़ गई। शुक्रवार को दोनों ही विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से जारी एहतियाती लुकआउट सर्कुलर के आधार पर ये कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस का सामना कर रहे प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को जैसे ही विदेश जाने से रोका गया तो एनडीटीवी ने ट्वीट कर इसका सख्त विरोध जताया और दोनों को रोके जाने के मामले को मीडिया की स्वतंत्रता से जोड़ दिया। एनडीटीवी की ओर से ट्वीट में कहा गया है, ये पूरी तरह से मूल अधिकारों पर सीधा हमला है। एनडीटीवी संस्थापक राधिका रॉय और प्रणव रॉय को विदेश जाने से रोक दिया गया। उन्हें एक सप्ताह बाहर रहना था और 15 तारीख को वापस भारत आना था, लेकिन 2 साल पहले झूठे भ्रष्टाचार के केस के आधार पर दोनों को रोका गया, जबकि वो इस मामले की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज की ये घटना और मीडिया मालिकों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई मीडिया वालों के लिए चेतावनी है कि या तो वो उनके पीछे चले या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका किस वजह से विदेश जा रहे थे, एनडीटीवी की ओर से इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि मैंने एनडीटीवी रॉय के लिए लुकआउट नोटिस की मांग करते हुए ट्वीट किया था और सीबीआई ने कार्रवाई की। आज रॉय ने दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होने की कोशिश की, उन्हें इंटरसेप्ट किया गया और बोर्डिंग से रोक दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस ट्वीट का जिक्र किया है वो ट्वीट स्वामी ने 15 जुलाई को किया था। स्वामी ने 15 जुलाई को ही आशंका जताते हुए कहा था, मुझे आशंका है कि एनडीटीवी बॉस प्रणव रॉय और उनकी पत्नी साउथ अफ्रीका के केप टाउन माइग्रेट कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ईडी और सीबीआई लुकआउट नोटिस जारी करेगा अगर ऐसा करने का संदेह है। स्वामी ने साल 2018 में भी एक ट्वीट कर कहा था, मैं ईडी और आईटीडी को पीएम के पत्र के माध्यम से प्रणव रॉय के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की मांग करता हूं। वो साउथ अफ्रीका के केप टाउन भाग सकते हैं। एयरपोर्ट पर एनडीटीवी के संस्थापक प्रणव रॉय और राधिका रॉय को रोका गया तो सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा छा गया। ट्विटर पर एनडीटीवी का माल्या ट्रेंड करने लगा। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, कुछ समय पहले एनडीटीवी ने कहा रिटर्न टिकट 16 अगस्त है और अब 15 अगस्त है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। राइटर प्रशांत पटेल उमराव ने विजय माल्या और प्रणव रॉय की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, एनडीटीवी का माल्या कौन है? बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अपना ही एक ट्वीट रीट्वीट करते हुए कहा, मैंने सभी को ट्वीट नहीं करने के लिए कहा था, लेकिन हर कोई ट्वीट कर रहा है और अब ट्रेंड कर रहा है एनडीटीवी का माल्या। आपको बता दें कि कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में 2 साल पहले एनडीटीवी के मालिक रॉय के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने छापेमारी की थी। सीबीआई ने 2 जून 2017 को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद बयान में कहा था कि वो कर्ज चूक की जांच नहीं कर रही है, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों सेबी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन और आईसीआईसीआई बैंक की ओर से कंपनी के कर्ज पर ब्याज दर में कमी की जांच कर रही है। इसके कारण बैंक को कथित रूप से 48 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इससे पहले दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही एयरलाइन कंपनी के प्रवर्तक नरेश गोयल और उनकी पत्नी को विदेश जाने से रोका गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के बाद ये कार्रवाई की थी।